इसमें राउत का जो भांजा है वो ये पोर्ट चलाने में वो आगे रहता है। तो इस तरह के अगर आप लोगों को लूटते रहेंगे, महाराष्ट्र की संपत्ति लूटते रहेंगे, तो जो राउत है मुझे ऐसे लगता है ये सरनेम में ही ऐसा है कि इनको लोगों के संपत्ति में ज़्यादा रुचि रहती है और इनके लिए पॉलिटिक्स एक धंधा है। तो हमारे जैसे लोग जो बड़े बड़े अपने व्यवसाय छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाते हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, और ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो अपने लिए कुछ धन बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कमेंट करना मैं ठीक नहीं समझता। और देखिए, जो आदित्य जी ने बोला है तो मैंने बोला है कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा चुके हैं, इसलिए मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 2-3 दिन में मैं आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और आप सबको और महाराष्ट्र की जनता और भारत की जनता को बोलूँगा कि हकीकत क्या होती है। हकीकत बिल्कुल अलग होती है जो बोला जाता है और हकीकत होती है, ये एक दूसरे को मैच नहीं करती। और आदित्य जी का एज छोटा है, उनको शायद ये मालूम भी होगा, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, या तो जाके अपने लिए झूठी सिंपथी क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपथी से पॉलिटिक्स नहीं चलता। आप 2.5 साल मंत्री रह चुके हैं और मंत्री होते हुए आपने क्या परफॉर्म किया ये आपको लोगों को बोलना चाहिए। जो कोल्हापुर में वो गए थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की लैंड है, वहाँ पे तारा रानी जो थी वो तारा रानी ने खुद का एम्पायर बनाया। जब मुगलों के कारण जब उनको रायगढ़ छोड़ना पड़ा तो कोल्हापुर राजधानी रह चुकी है, बाद में सातारा भी एक राजधानी बनी, लेकिन इसको एक इतिहास है। वहाँ बहुत सारे हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वहाँ महालक्ष्मी माँ का मंदिर है। क्या डेवलपमेंट की उन्होंने कोल्हापुर में, इसका उन्होंने कोल्हापुर को जनता को जवाब देना चाहिए, जबकि वो जवाब नहीं दे सकते। आज वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फाउंड्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज़्यादा होने की वजह से आज वो सब फाउंड्रीज वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ में है। उनके लिए आदित्य जी ने क्या कहा, क्या किया, वो उनको बोलना चाहिए। वो तो उनका इतना अधिकार और सब डिपार्टमेंट में वो इंटरफियर कर रहे थे, फिर उन्होंने परफॉर्म क्या किया, वो रोज़ कितने लोगों को मिलते थे, वो कितनी बार मंत्रालय में आते थे, 7वें मंजिले पे उनका ऑफिस था, वहाँ पे जाके उसका CCTV फुटेज चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने घंटे वो आ चुके हैं उस ऑफिस में। आफ्टर ऑल ये सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का। लोगों आज देखिए इतनी भीड़ है डिप्टी CM को मिलने के लिए, CM साहब आते तो उनको मिलने के लिए भीड़ आती है। ये इनका अधिकार है मंत्रियों को मिलने का, अपने काम करने का उनका अधिकार है। आप लोगों को मिलेंगे ही नहीं, आज आपकी सत्ता चली गई तो आप हर गांव में जा रहे हैं, हर एक शाखा में जा रहे हैं। जब आपके पास सत्ता थी तो आप कहाँ थे, ये लोगों को आप मिल रहे थे क्या, ये सवाल है। वो हमारे नेता है, उनके लिए हमारा आदर है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो सच्चाई है मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने लाऊंगा, सब शिवसैनिकों के सामने लाऊंगा, और फिर उनको सोचना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, उसका उनको ही डिसाइड करने दीजिए।